Exercise question number 2.5. The question is, a new unit of a length is chosen such that the speed of light in a vacuum is unity. What is the distance between the sun and earth in terms of the new unit if the light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance? New unit system mein speed of light ko hum unity bolenge. अब इस यूनिट सिस्टम का यूज करके हमें सन एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है कि लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट एंड 20 सेकेंड का टाइम लगता है। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पर लाइट की बात हो रही है तो स्पीड ऑफ लाइट इंटू उस लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा वो। स्पीड ऑफ लाइट एज इट इज रहने दो, टाइम टेकन दिया हुआ है 8 मिनट एंड 20 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 8 इंटू 60 प्लस 20, सो ये पूरा टाइम सेकेंड में मिल जाएगा, तो ये होगा 500 सेकेंड। अब न्यू यूनिट सिस्टम में ऐसा दिया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट को हम यूनिटी बोलेंगे, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 1 यूनिट है। अब यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 1 यूनिट रखेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ हमें मिलेगा स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 1 यूनिट इनटू 500, सो 500 यूनिट्स। सो सन एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस न्यू यूनिट सिस्टम में होगा 500 यूनिट्स।